वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे बैड बॉय मूवी के 2 करोड़ के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ गाइस, और जाने की मूवी बॉक्स ऑफिस पे हुई हिट या फ्लॉप। तो जैसे कि आपको पता ही है कि बैड बॉय मूवी के यानी कि लीड में आपको दिखाई देंगे वो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे। जी हाँ गाइस, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे यानी कि नवासी चक्रवर्ती दिखाई देंगे। जी हाँ गाइस, और उनकी ये पहली मूवी होगी एज अ लीड हीरो। और बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का जो बजट यानी कि निर्धारित किया गया था वो किया गया था 15 से मतलब 20 करोड़। बट मुझे लगता है कि इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है लगभग 25 करोड़, और क्योंकि ऑफिशियली अभी तक कोई बजट बताया नहीं गया, और मतलब फिर भी 20 करोड़ से ऊपर ही है, और यानी कि 25 करोड़ मुझे तो लगता है। तो बात करते हैं इस मूवी के फर्स्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस मूवी का जो यानी कि रिव्यू थे वो लगभग ठीक ठाक थे, ज़्यादा ना तो अच्छे थे ना ही ख़राब थे। तो इस मूवी ने पहले दिन अपने इंडिया नेट कलेक्शन किया था वो किया था 1 करोड़। जी हाँ गाइस, 1 करोड़, क्योंकि ये मूवी इसके साथ साथ दो मूवी और भी रिलीज हुई थी यानी कि PS2 और एजेंट। तो इस मूवी को यानी कि स्क्रीन काउंट ज़्यादा अच्छे मिले नहीं, और यानी कि लगभग 700 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज़ किया गया था, फिर भी इस मूवी ने लगभग 1 करोड़ की इंडिया से कमाई करी। बात करते हैं यानी कि सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो सेकेंड डे यानी कि आज का जो कलेक्शन है उसमें यानी कि लगभग 25 से 30% का यानी कि इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और ये मूवी आज लगभग कमा रही है 1.5 करोड़। जी हाँ गाइस, लगभग 1.5 करोड़ मूवी यानी अपने सेकंड डे कमा रही है, जिससे कि इसका टोटल 2 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन ज़्यादा वो है ज़्यादा 2.5 करोड़। और बात कर रहे हैं ओवरसीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यानी कि इस मूवी ने जो अब तक ओवरसीज़ मार्केट में भी यानी कि ज़्यादा मूवी वो स्क्रीन्स नहीं मिली, तो ये मूवी अपने 2 दिनों में लगभग 3 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। और क्योंकि मूवी का बजट है 25 करोड़, तो इस मूवी को हिट होने के लिए करीब करीब 35 करोड़ तो चाहिए ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये 35 करोड़ करना थोड़ा सा अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बट फिर भी ये मूवी इंक्रीमेंट कर रही है क्योंकि एज ए लीड हीरोइन इनकी ये फर्स्ट मूवी है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के यानी नेक्स्ट टाइम में ये मूवी ज़रूर आगे जाके यानी हो सकता है हिट हो जाए। और आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यानी बैड बॉय मूवी नहीं देखी तो देखनी चाहिए भाई, मतलब क्योंकि इसमें काफ़ी यानी कल्ट कॉमेडी है और मतलब काफ़ी शानदार मूवी है। अगर मिथुन चक्रवर्ती का बच्चा है तो मतलब एक्टिंग तो आती होगी, यानी कि खून मेरा एक्टिंग बहती है भाई। तो अगर आपको मतलब वीडियो अच्छा लगा तो थैंक मतलब वीडियो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।